चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। उत्तराखंड राज्य के सुदूर पूर्वी भाग में समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पिथौरागढ़ किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पिथौरागढ़ के संबंध में कुछ बताया जाए तो वर्तमान उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों में एक, राज्य के 3 हवाई अड्डों में एक नैनीसैनी एयरपोर्ट का स्वामी, उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी अंचल में बसा सबसे बड़ा शहर, UK 05 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत जनपद, उत्तराखंड राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी एवं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का गृह जनपद, राज्य की अति महत्वपूर्ण पिथौरागढ़ सैन्य छावनी का स्वामी, सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय महाविद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों से सुसज्जित, कुमाऊं मंडल का चौथा सबसे बड़ा शहर पिथौरागढ़। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मुरादाबाद, रुद्रपुर, टनकपुर से होकर नवनिर्मित ऑल वेदर रोड द्वारा शहर के दक्षिणी छोर से पिथौरागढ़ शहर में प्रवेश किया जाता है। शहर में प्रवेश करने वाली सड़क टनकपुर रोड के रूप में जानी जाती है। शहर में प्रवेश करने पर सर्वप्रथम एंचौली चौराहा दिखाई पड़ता है। चौराहे से पूर्व में सड़क एशियन एकेडमी एवं मल्लिकार्जुन स्कूल की ओर एवं उत्तर में टनकपुर रोड शहर की ओर प्रवेश करता है। चंद्रभागा, दारिमखोला आदि क्षेत्रों से होते हुए सड़क शहर के एक और मुख्य तिराहे से गुजरती है, जहां से नीचे की ओर सड़क टकाना की ओर एवं ऊपर की ओर टनकपुर रोड बस स्टैंड की ओर बढ़ जाता है। पिथौरागढ़ के विशालकाय शहरी क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 85,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से कुमाऊं मंडल का चौथा एवं उत्तराखंड राज्य का 10वां सबसे बड़ा शहर है। टनकपुर रोड कुमाऊं बैंड से होकर शहर के बस स्टैंड चौराहा पर पहुंचता है, जहां पिथौरागढ़ डिपो का रोडवेज बस अड्डा स्थित है। पिथौरागढ़ डिपो से दिल्ली, हल्द्वानी, लखनऊ, गुरुग्राम एवं उत्तराखंड राज्य के महत्वपूर्ण शहरों के लिए बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। बस अड्डा चौराहा से उत्तर की सड़क सेलथाम की ओर एवं पश्चिम की ओर की सड़क केमू स्टेशन की ओर आती है। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। यह सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जनपद है। इसके उत्तर में चीन अधिकृत तिब्बत एवं पूर्व की ओर नेपाल देश की सीमा लगती है। पश्चिम में बढ़ते हुए सड़क केमू स्टेशन स्थित चौराहा पर पहुंचती है। यह स्थान शहर के बेहद व्यस्त एवं महत्वपूर्ण चौराहों में एक है। यहाँ कुमाऊं मोटर ऑपरेटर यूनियन का बस अड्डा स्थित है, जहां से अनेकों पहाड़ी रूटों के लिए बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। चौराहे से दक्षिण की ओर सड़क सिनेमा लाइन के रूप में जानी जाती है, जो आगे चलकर टनकपुर रोड से जुड़ती है। चौराहे से उत्तर की ओर पुराना बाजार, नया बाजार स्थित हैं, जो ऊपर की ओर गांधी चौक की ओर जोड़ते हैं। इन बाजारों में दिन के समय बेहद भीड़भाड़ बनी रहती है। केमू स्टेशन से पश्चिम की सड़क स्टेशन रोड के रूप में टकाना बैंड की ओर बढ़ जाती है। प्राचीन काल में पिथौरागढ़ को सोर घाटी के रूप में जाना जाता था। इस स्थान पर 7 सरोवर थे, जिनके सूखने के बाद एक पठारी भूमि का निर्माण हुआ। इस स्थान पर चंद्रवंशी राजा पिथौराचंद ने अपना आधिपत्य स्थापित किया एवं उनके नाम पर ही शहर का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। आगे बढ़ते हुए टकाना बैंड दिखाई पड़ता है, जहां से उत्तर में लिंक रोड GIC की ओर एवं दक्षिण में सड़क टकाना रोड के रूप में कलेक्ट्रेट की ओर आती है। ब्रिटिश काल में जब संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र अंग्रेजों के शासन में आया तो अंग्रेजों ने कुमाऊं को जनपद घोषित किया, जिसका जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थापित किया गया एवं पिथौरागढ़ को कुमाऊं जनपद की एक तहसील के रूप में स्थापित किया गया। उस समय यह क्षेत्र यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का भाग था। 1891 में कुमाऊं जिले का विभाजन कर दो अलग अलग जनपद जिला नैनीताल
एवं जिला अल्मोड़ा का गठन होने पर पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जिले का हिस्सा बना रहा। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए टकाना रोड टकाना चौक से गुजरते हुए चंद चौक पर पहुंचता है। चंद चौक के निकट ही पिथौरागढ़ का विकास भवन स्थित है। चंद चौक से दक्षिण में सड़क ऊपर की ओर कलेक्ट्रेट में प्रवेश करती है। यहां जिला स्तर के समस्त अधिकारियों के कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का कार्यालय एवं तहसील सदर आदि स्थित हैं। चंद चौक से दक्षिण में नीचे की ओर सड़क स्टेडियम कुजौली क्षेत्र से गुजरते हुए टनकपुर मार्ग पर जुड़ जाती है। बस स्टैंड तिराहे से उत्तर में सेलथाम की ओर जाने वाली मुख्य सड़क प्रारंभ होती है। देश की आजादी के पश्चात पिथौरागढ़ शहर उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बना। 1960 में पिथौरागढ़ जनपद का गठन चीन से लगातार खराब होते रिश्तों और पिथौरागढ़ के सामरिक महत्व को देखते हुए अल्मोड़ा जिले की उस समय की डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़ एवं चंपावत तहसीलों को जोड़कर किया गया। सड़क उत्तर की ओर बढ़ते हुए वड्डा तिराहा से होकर पश्चिम की ओर घूमकर सेलथाम चौराहा पर पहुंचती है। सेलथाम चौराहा पिथौरागढ़ शहर का सबसे व्यस्त चौराहा है। सेलथाम चौराहा से उत्तर में सड़क धारचूला रोड प्रारंभ होती है। पश्चिम की ओर सड़क बैंक रोड एवं घंटाकरण की ओर जाती है। बैंक रोड से नीचे की ओर की सड़क गांधी चौक में प्रवेश करती है। गांधी चौक बाजार क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। यहाँ सदैव भीड़ भाड़ बनी रहती है। यहाँ से नीचे की ओर पुराना बाजार केमू स्टेशन की ओर जाता है। पश्चिम की ओर का बाजार सिमलगैर के रूप में जाना जाता है। सिमलगैर बाजार शहर का सबसे आधुनिक बाजार है। यहाँ अनेकों उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों ओर कतारबद्ध स्थापित हैं। यह सड़क पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शहर कोतवाली रोड पर नगर पालिका के निकट जुड़ जाती है। सेलथाम चौराहा से बैंक रोड पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। पिथौरागढ़ जनपद के अति विशाल भूभाग को देखते हुए 1997 में चंपावत एवं पूर्णागिरी तहसीलों को विभाजित करके चंपावत जनपद का गठन किया गया। वर्तमान पिथौरागढ़ जनपद में कुल 13 तहसीलें हैं। यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद है। बैंक रोड पर ही पिथौरागढ़ का जनपद न्यायालय एवं जिला चिकित्सालय आदि स्थापित हैं। यह सड़क पश्चिम में घंटाकरण चौराहा पर जोड़ती है। घंटाकरण से पश्चिम की सड़क चंडाक की ओर जाती है। चंडाक पिथौरागढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अत्यंत रमणीय स्थल है। यहां से शहर की खूबसूरत दृश्यावलियां निसंदेह मन मोहित कर लेती हैं। चंडाक में मोस्ट मानु मंदिर भी स्थित है, जो पिथौरागढ़ में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। घंटाकरण चौक से नीचे की ओर दक्षिण में आने वाली सड़क हेड पोस्ट ऑफिस से होकर सिमलगैर बाजार तिराहा से गुजरती है। इसी मार्ग पर रामलीला स्थल एवं पिथौरागढ़ का दर्शनीय किला स्थित है। यह सड़क कोतवाली रोड के रूप में शहर कोतवाली परिसर से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ जाती है एवं GIC रोड के रूप में जानी जाती है। पिथौरागढ़ संपूर्ण जनपद की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 5,05,000 की है। जनसंख्या की दृष्टि से यह जनपद उत्तराखंड राज्य में 8वें स्थान पर है। GIC रोड पश्चिम की ओर बढ़ते हुए एपटेक तिराहे से गुजरता है एवं पश्चिम की ओर राजकीय इंटर कॉलेज की ओर बढ़ जाता है। यह समस्त मार्ग घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरता है। यह अपने पश्चिमी छोर पर राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर से जोड़ता है। एपटेक तिराहा से पूर्व में लिंक रोड टकाना बैंड की ओर बढ़ जाता है। लिंक रोड वर्तमान में पिथौरागढ़ शहर के आधुनिक बाजारों के रूप में विकसित हो रहा है। पिथौरागढ़ व्यापारिक दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का अति महत्वपूर्ण शहर है। कानून एवं शांति व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु शहर को कुल 2 थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली शहर एवं थाना जाजर देवल में विभाजित किया गया है। लिंक रोड दक्षिण की ओर मुड़कर टकाना बैंड पर जुड़ जाता है। शहर के उत्तरी छोर से धारचूला, डीडीहाट, मुंसियारी आदि की ओर से आने वाली धारचूला रोड
शहर में प्रवेश करती है। इस मार्ग से भी शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ शहर की विशालता को देखते हुए इसे लंबे समय से नगर निगम घोषित करने की मांग भी जोरों पर है। धारचूला रोड आकर सिलथाम चौराहा पर जुड़ता है। बस स्टैंड तिराहा से टनकपुर रोड पर स्थित कुमौड़ बैंड से पूर्व में एक महत्वपूर्ण सड़क कैंट रोड प्रारंभ होती है। यह सड़क कुमौड़ चौराहा से गुजरती है। कुमौड़ चौराहा से दक्षिण में कुमौड़ क्षेत्र एवं दक्षिण पूर्व में पुलिस लाइंस रोड प्रारंभ होता है। कुमौड़ तिराहा से कैंट रोड पूर्व की ओर बढ़ जाता है। पिथौरागढ़ की चौड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें किसी विकसित शहर में भ्रमण का अनुभव कराती हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्थानीय निवासियों का मृदुल स्वभाव बार बार पिथौरागढ़ आने को विवश कर देता है। कैंट रोड जाखनी तिराहा से गुजरता है, जहां सेलथाम चौराहे के निकट वड्डा तिराहा से आने वाली मार्ग कैंट रोड से जुड़ती है। कैंट रोड जाखनी तिराहा से पूर्व की ओर विण एवं सैन्य छावनी की ओर बढ़ जाता है। यही सड़क वड्डा होकर झूलाघाट की ओर जाती है, जो भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। आगे बढ़ते हुए सड़क आर्मी स्कूल तिराहा पर पहुंचती है, जहां से कैंट रोड पूर्व की ओर निकल जाता है। यहां से उत्तर की ओर एपीएस रोड प्रारंभ होता है। इसी मार्ग पर जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल का परिसर स्थित है। एपीएस रोड प्राकृतिक दृश्यावलियों से विचरण करते हुए रॉयल सिनेमा से होकर गुजरता है। रॉयल सिनेमा शहर का आधुनिक सिनेप्लेक्स है। यहां से पूर्व की सड़क नैनी सैनी हवाई अड्डा की ओर जाती है। उत्तर की सड़क मानस एकेडमी होकर धारचूला रोड की ओर निकल जाती है। पिथौरागढ़ जैसे सुंदर शहर में आना और इसे कैमरे में संजोना मेरे लिए एक सपने का पूरा होने जैसा था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पिथौरागढ़ शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो पिथौरागढ़ शहर अथवा पिथौरागढ़ जनपद से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।